घर से भागी महिला ने प्रेमी से की शादी, फिर पहले पति के यहां पुलिस ने ताला तोड़कर बिना परिजन की मर्जी से घर में कराया प्रवेश। इटावा के एकदिल थाना के अंतर्गत क्षेत्र हिरणपुर गांव में महिला अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर कोर्ट मैरिज कराकर शादी कर ली थी। पीड़ित पति ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कुछ महीने बाद भागी हुई महिला ने एवं उसके परिजनों ने चौकी में पुलिस से सांठगांठ कर महिला के साथ गांव पहुंची, जहां पर ताला लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने जबरन ताला तोड़कर घर में प्रवेश करा दिया। वहीं पीड़ित महिला के भाई ने बताया कि पुलिस ने मुझे चौकी बुलाकर जबरन भाई की पत्नी को घर में रखने के लिए दबाव बनाया। पीड़ित ने बताया कि महिला ने कोर्ट में प्रेमिक से मिलकर शादी कर ली है, जिसके हमारे पास प्रमाण है। आपका मेरा नाम है प्रमोद कुमार। गांव का नाम हिरणपुर। अच्छा, क्या समस्या हो गई आज आपके साथ? समस्या ये हो गई सर कि देखो, मेरे को पता नहीं था, क्या हुआ, मेरे पास आया फोन चौकी से, एक बार नहीं 5 बार फोन आया। मैंने कहा सर मैं इटावा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। बोले आपका भाई है। मैंने कहा उसका भाई का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, हमें पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं, हम खुद कोशिश कर रहे हैं उसकी। उसके बाद जो है, जब हम देख के नहीं गए, उसके बाद जो खुद चौकी से यहाँ पे पुलिस आई, यानी दीवान जी आए, मेरे को लेके गए, बोले कि बात करनी है वहाँ पे। किस मैटर को लेके फ़ोन आया? किस मैटर को फ़ोन लेके, अब फ़ोन पे ये नहीं बताया गया क्या मैटर है। बोले कि वो अब देश का कोई मैटर है, उसके लिए आपको बुलाया जा रहा है। बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये कहना है कि भाई हमें पता ही नहीं है। तो हमें क्या मालूम था, जब मैं वहाँ पे गया सर, तो वहाँ पे दूसरा मैटर था, यानी जो लड़का लेके गया था उसका बहनोई, उसका नाम है राजकुमार, ठीक है, और वहाँ के प्रधान जी भज्जू के नगला के वो मौजूद थे, और 4-5 लोग और थे, और लड़की के पिताजी यानी उसके भाई दोनों तीनों वो वहाँ मौजूद थे। तो मेरे को बोला आप क्या चाहते हो सर? हम क्या चाहते हैं, हम तो भाई दूसरे घर के, हम भाई ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग 5-6 साल से अलग अलग रह रहे हैं, कोई हमारा तो वही नहीं है भाई, एक नाता है भाई का बस, ना हमारा कोई आना जाना है ज़्यादा है, हम उस घर में भी नहीं रहते 4 साल से, उस घर में भी अच्छा, नहीं रहते। जो जो मैटर, जो आपके भाई की बहू है क्या ये? हाँ, हमारे भाई की भाई है, बहू है। तो कब भाग गई थी ये? भाग गई, इसको हो गए सर आज कम से कम 2-2.5 महीना हो गए। 2.5 महीने हो गए भागे? 2.5 महीना हो गए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 2.5 महीने हो गए। हम लोग खोजते, फिर मैंने FIR करी, ऑनलाइन भी करी, चौकी में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई यहाँ पे थाने में। उसके बाद हमने फिर वहाँ मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट में मैंने केस चलाया, 8 तारीख है। मैंने ये भी बोला, मैंने कहा सर मेरा 8 तारीख कोर्ट में लगी है, उसके बाद ही अपने सुपुर्द हो जाए, कोर्ट के थ्रू मैं लूँगा। हाँ, कोर्ट तुमने सही बात है। नहीं, इन्होंने बोला नहीं, कोर्ट के थ्रू क्यों, अभी लेके जाओ। मैंने कहा देखो सर, मेरा भाई है नहीं घर पे, हम अपने भाई को, मतलब पुलिस वालों ने जबरदस्ती दबाव डाला आप पे? जबरदस्ती दबाव डाला इन लोगों ने, पुलिस वालों ने, इतना आतंक है इनका, जबरदस्ती नहीं है तो साले क्यों नहीं ले जाओगे, हम जबरदस्ती ताला तोड़वा देंगे तेरे घर का, क्यों नहीं जाएगी तेरे घर में? तो पुलिस वालों ने ताला तोड़वा दिया? अब हमें, हम तो थे नहीं सर, हम गए थे इटावा, कोई मेरा काम था, मैं भाई को खोजने गया था, भाई मेरा अभी तक पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं, मैं भाई को खोजूं क्या है, समस्या सुनूं इनकी। अच्छा, तो ये पता लग रहा है कि वो ताला तोड़वा के, मेरे को पता नहीं लगा, मेरे को अभी पता लगा है कि ये जबरदस्ती ताला तोड़वा के पुलिस वाले यहाँ फोटो भी खींच के ले गए हैं उसकी, और इसने ताला तोड़ा है, क्या तोड़ा हमें पता नहीं, देखो मैंने देखा नहीं सर, अभी मेरे को ज्ञात हुआ है कि इन्होंने जो ताला तोड़वाया है, क्या किया, ये जबरदस्ती यहाँ पे करके हमारे, हम लोगों की बगैर राजी के। अच्छा, कोई अगर ये कोई किसी प्रकार की ये घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अब वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जिम्मेदार कौन होगा, अगर वो रात में अगर कुछ कर ले, कौन जिम्मेदार होगा? तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं सर, मेरा ये है निवेदन कि इसको जहाँ से ये आई है बाइज्जत, ये पुलिस अगर चाहे उसी को सौंपे, उसके बाद हमारा जो कोर्ट का निर्णय होगा उसको हम मंजूर हैं। या तो पुलिस की कस्टडी में जाए, या तो ये पुलिस की कस्टडी में जाए, और नहीं तो जहाँ से आई है वहीं पे जाए। अच्छा, पुलिस वालों को कहना यह है कि उनका जेड मतलब साइन करके गया कि हम आप स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, साइन तो वहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, वो चौकी इंचार्ज वो भी बैठे थे और भी हैं, बोले आपको साइन तो करना पड़ेगा आप आए, बोले आपको कोई दिक्कत नहीं है आप साइन कर दो, सब लोग कर रहे हैं, तो इसलिए भैया जबरदस्ती देके भैया साइन किए। आपकी मर्जी से नहीं हुए? मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ, मेरे पास जबरदस्ती दबाव दिया गया वहाँ पे, और जबरदस्ती है यार लड़की को लेके यहाँ पे छोड़ के गए हैं।
आपका भाई कितने दिन से लापता? सर मेरा भाई लापता हमें 2-3 दिन से पता, जब से ये गई है अभी दोबारा फिर आई है एक बार। देखो भाई जब जाता था, देखो मैं आपको सब बता, भाई जब मैं चाहे इसको जबरदस्ती लेने गया हम लोगों के बगैर मर्जी के, मैंने ये कहा देखो भाई ऐसा है गई तो जाने दो, अब उसको खिलने खाने दो, दिक्कत क्या है। लेकिन भाई ने मेरी नहीं मानी, मैंने कहा भाई मेरी नहीं मान रहे तो भैया आप जानो आपके सामने जाने। लेकिन भैया लड़की पच भी गया वहाँ लुधियाना, उसके यहाँ से लेके आया, वहाँ उन्होंने पता नहीं क्या लिखवाया क्या नहीं लिखवाया, हमें कोई पता नहीं, मैंने जब देखा ही नहीं। क्या चाह रहे हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं सर कि देखो हम कुछ नहीं चाह रहे, चाहेगा भाई, अब वो भाई मिल जाए, अब नहीं मिल रहा तो अब क्या करें सर है? आज वो अगर उसको कुछ हो जाता है कौन जिम्मेदार होगा? तो किसको दोषी ठहराएंगे आप? हम तो ये सर जो लड़की पक्ष है जो लेके गया उसको, और जो लड़की पक्ष को और जो पुलिस वालों को दोषी ठहराएंगे।